हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम केक बनाने वाले हैं वो होने वाला है यूनिकॉर्न केक। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करो, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने पहले 1 kg और 1/2 kg का केक लिया है, क्योंकि 1 kg मैं बोलूँ तो 7 इंच और 1/2 kg 5 इंच के करीब में मैंने केक लिया है, स्पॉन्ज लिया है। केक तो फ्लेवर वही होता है, सेमी फ्लेवर होता है। मैंने एक को पिंक बटर क्रीम से कवर करा है, एक को व्हाइट बटर क्रीम से कवर करा है। और इसका सबसे पहले आप अगर टीयर वाले केक बनाते हैं तो बीच में स्ट्रॉ वगैरह डाल दो, मैंने डाल दिया है, वो वीडियो में पूरा दिखाया नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे भी समझ रहे हो ना आप लोग। सो हमने इसमें देख सकते हो मैं पहले ऊपर से चोटी बना रहा हूँ, क्योंकि चोटी ही पहले बना सकते हैं, काफी ज्यादा इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं। फिर मैंने 2 आईब्रोज डाला इनका, फिर ऊपर से एक यूनिकॉर्न का बाल वाले जो चोटी होता है वो बनाया है, और फिर इसको डाला है, फिर 2 कान डालना है। ये सब आप फोंडेंट से बनाना होता है। अगर इसको अगर आपको चाहिए तो जरूर बताना, आपको इसको भी मैं फुल ट्यूटोरियल डाल दूंगा कि कान कैसे बनाए या फिर ये सब कैसे बनाए। वैसे इजी होता है, कुछ खास नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। फिर मैंने, आप लोग देखते जाओ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप काफी सारे ऐसा डिटेलिंग है जो मिस कर सकते हो। सो आप लोग लास्ट तक देखें, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर मैंने अच्छे तरीके से रोजेस वगैरह करा है इसमें, कहीं कहीं अलग अलग कलर का, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 3 कलर यूज करे, पिंक ब्लू पर्पल मैं यूज कर रहा हूँ। सो हम देख सकते हैं कि मैं कहीं कहीं बीच बीच में गैप वैप डाल डालकर इस सबको अच्छे से ऐड कर रहा हूँ। पीछे का आप देखोगे अब अच्छे तरीके से ऐड हो गया है। फिर थोड़ा बहुत ऊपर के साइड से भी कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है, नीचे क्लाउड लगाना था मेरे को। फिर हम देख सकते हैं आप लोग, क्लाउड का कटर आ जाता है आराम तरीके से, आराम से मिल जाता है मार्केट वगैरह में, आपको इजीली मिल जाएगा ये क्लाउड। फिर क्लाउड, आप ये सोच रहे हो कि आगे के साइड में मैंने उतना गैप क्यों छोड़ा है, वहां पे एक मैसेज आने वाला था, जो कस्टमर का नाम था, काफी बड़ा नाम था, इसलिए उतना हमने स्पेस छोड़ा था। फिर मैंने ऊपर बॉर्डर मारा है, नॉर्मल बॉर्डर, पल बॉर्डर बटर क्रीम से ही करा है, क्योंकि इसमें 90% काम बटर क्रीम का ही होता है, 2-3% फोंडेंट का होता है। फिर नीचे भी हमने सेम बॉर्डर मारा है, देख सकते हो आप लोग, व्हाइट बॉर्डर ही मारा है, क्योंकि व्हाइट थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, इसलिए हमने ऊपर और नीचे बॉर्डर मारा है बटर क्रीम से, थोड़ा सा क्लीनिंग करा है। और फिर लास्ट में मैसेज लगाएंगे, वो देखना आप लोग। फिर स्टार वगैरह भी था इसमें, कस्टमर का डिमांड था कि थोड़ा बहुत आप स्टार डाल देना, और स्टार फिर हमने डाला है। फिर ऊपर से जो गोल्डन का उनका आइस होता है, मतलब इसका आइस होता है यूनिकॉर्न का, उसको पेंट करा है अच्छे तरीके से। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक तो जरूर करना, और कमेंट करके ये जरूर बताना आप लोगों का केक कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, जैसा भी लगा, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, कमेंट करके जरूर बताना। फिर आप लोग देख सकते हो, अब मैं मैसेज चिपका रहा हूँ, बहुत बड़ा मैसेज था, इसको भी आप कल भी राइटिंग से मैंने निकाला था, फोंडेंट कटर से ही या फिर टूल से ही, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाता है। अच्छे तरीके से इसको चिपका दें, और उसके बाद मैं 2-3 हार्ट वगैरह का वो स्टार वगैरह लाया था, वो स्टार लगाना है, बस केक रेडी। आप लोग लास्ट वाले देखना, आप लोगों को प्रॉपर शूट कराया हमने, सो आप लोग लास्ट में देखो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझ रहे हो ना, एक एक वीडियो में बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और फाइनल लुक कुछ इस टाइप का बना है, आप लोग बताओ आप लोगों को केक कैसा लगा, अच्छा लगा या जैसा भी लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते किसी नए वीडियो में, बाय।